द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम एरिया से। तो उसकी यूनिट क्या बनेगी? तो यूनिट हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, और एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये हो सकती है। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वो वोल्ट पर मीटर भी होती है। वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो दूसरी यूनिट ये भी हो सकती है, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट होके तो वोल्ट वोल्ट इंटू मीटर भी यूनिट हो सकती है। अब ये न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर तो इसमें मिल नहीं रही है, वो तो यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो ये बन सकती है आपकी जू वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर बन सकती है, वोल्ट इंटू मीटर सी पार्ट आंसर बन सकता है। ठीक, एक और यूनिट आप बना सकते हो। ये जो न्यूटन है तो न्यूटन एक मीटर को मल्टीप्लाई कर लिया, एक मीटर अलग कर लिया, अपॉन कूलाम कर लिया। अब ये जो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? ये जूल होता है। तो आप जूल पर कूलाम इंटू मीटर भी कह सकते हो, और जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट। तो ये वोल्ट पर वोल्ट इंटू मीटर भी आ जाएगी, तो वापस से हम यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता था, ये वाला आंसर भी हो सकता था, जूल वाला आंसर भी हो सकता था, वोल्ट इंटू मीटर भी हो सकता था। तो जो आंसर मैच कर गया वही आंसर हो गया। तो आंसर क्या बनेगा फर्स्ट वाले का? कैट। सेकंड में आपको सरफेस का एरिया वेक्टर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं कितना फ्लक्स पास कर रहा हो सरफेस से। तो अगर आपको एरिया वेक्टर वगैरह सब कुछ पता है तो फ्लक्स निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपली क्या करेंगे हम, ई डॉट ए, ई डॉट ए, जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर यहाँ पर एस की फॉर्मेट में है, 10 जे कैप, तो जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 40 यूनिट आंसर आ जाएगा आपका। स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा। थर्ड वाले में आ जाते हैं। थर्ड में कह रहे हैं क्यूब है, उसकी साइड दी है ए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, टोटल फ्लक्स पास कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कितना पास करेगा। तो इस बात को आप हमेशा के लिए याद कर लो आगे के लिए भी, कि अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसी भी क्लोज सरफेस हो, तो उससे नेट पास होने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा? जीरो। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इसको आप लिख लो ध्यान से, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। जितनी फील्ड लाइन्स उसके अंदर जा रही होंगी उतनी फील्ड लाइन्स वहां से इमर्ज करेंगी, तो जो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस होगा दैट विल बी जीरो। तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? टोटल फ्लक्स पासिंग पूछ रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या आंसर आएगा? जीरो। सो वी विल टेक नन ऑफ दीज, डी पार्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसमें कह रहे हैं फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन एन एयर, पॉजिटिव यूनिट चार्ज से कितना फ्लक्स पास आएगा, पास होगा, ठीक। तो जो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी इसकी वैल्यू हो गई वन, तो आंसर आएगा आपका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतना फ्लक्स पास करेगा अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी क्लोज सरफेस में रखा हुआ है। सो योर आंसर विल बी बॉय, बी पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली इज फाइव वन एंड फाइव टू, जो अंदर जा रहा है वो फाइव वन है, जो बाहर आ रहा है वो फाइव टू है, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से अंदर आने वाला फ्लक्स माना जाता है निगेटिव, ठीक। तो जो एंट्री ले रहा है फ्लक्स वो फाइव वन है, और जो इमर्ज कर रहा है यहाँ से बाहर आ रहा है उसका नाम क्या रखा उन्होंने? फाइव टू। तो आउट गोइंग फ्लक्स विल बी पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स विल बी, ये आपको याद होना चाहिए कि आउटगोइंग फ्लक्स कैसा होता है पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है नेगेटिव। तो अगर आपको नेट फ्लक्स लिखना हुआ इससे, नेट फ्लक्स, तो आउटगोइंग तो हो गया पॉजिटिव और इनकमिंग कैसा हो गया? नेगेटिव। ये नेट फ्लक्स हो गया, ठीक। और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाइव टू माइनस फाइव वन, ये बनेगा आपका नेट चार्ज क्यू इन, ठीक। तो आंसर क्या बना आपका? बॉय, बॉय आंसर बनेगा।
चार्ज ऑफ टू कूलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. चार्ज ऑफ टू कूलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस. वन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा. तो एक क्यूब बना लेते हैं. जैसे मान लिया ये एक क्यूब है, और उसके सेंटर पे एक आपने एक चार्ज रखा हुआ है. कितना चार्ज है? टू कूलाम. मैं क्यू कह देता हूं, बाद में देखेंगे फिर. तो इसका जो फ्लक्स पास करेगा, अब बिल्कुल सिमेट्रिक रखा हुआ है, तो हर सरफेस से सेम फ्लक्स पास करेगा. तो जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक. और टोटल सर्फेसिस कितनी होती हैं क्यूब में? 6. तो हर एक सर्फेस से कितना पास करेगा? उसका 1/6. तो इतना फ्लक्स पास करेगा एक सर्फेस से. अगर आप एक, जैसे मान लीजिए ये वाली सर्फेस हम ले लें, शेडेड पोर्शन है ये सर्फेस से, तो इससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा इस चार्ज का? तो वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6 पार्ट. क्लियर? ये होगा. अब क्यू की वैल्यू कितनी दी है? तो क्यू दिया आपको 2 कूलाम. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6. दैट विल बी 1/3 एप्सिलॉन नॉट. इतना फ्लक्स पास करेगा एक सरफेस से. सो योर आंसर विल बी ए पार्ट. फॉर ए गिवन सरफेस गॉस लॉ जो है वो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं. ठीक है. अब एक्चुअली क्या होना चाहिए ना, यहाँ पे एक सर्कल बना होना चाहिए. इस तरह से सर्कल बना होना जरूरी है, क्योंकि गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है. और क्लोज सरफेस के लिए अगर आपको लिखा है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 है. अब नेट फ्लक्स 0 का मतलब ये नहीं होता कि फ्लक्स पास ही नहीं करेगा. ऐसा हो सकता है जितना फ्लक्स अंदर आ रहा हो उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा हो. ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जितनी अंदर आ रही हो उतनी फील्ड लाइन्स बाहर जा रही हो, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा. ठीक है. नेट फ्लक्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कुछ सरफेस के एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर आ रही होंगी, कुछ सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही होंगी, और जितनी अंदर आ रही हैं उतनी बाहर जा रही होंगी, तो भी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो अब पढ़ते हैं कि करके, जैसे ए ऑप्शन में कह रहे हैं ई इज नेसेसरली 0 ऑन द सरफेस. ई पक्के से सरफेस पे 0 होगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. लेकिन द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, ये पक्का है कि टोटल फ्लक्स जो है वो 0 होगा. अब कैसे भी 0 हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सरफेस के परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट जितनी लाइंस अंदर एंट्री ले रही होंगी उतनी लाइंस इमर्ज करेंगी, ये पक्का है. नेट फ्लक्स 0 होगा, ये पक्का है. तो 7th का आंसर क्या बनेगा? कैट. 8th में आते हैं. 8th में कह रहे हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग एन अल्फा पार्टिकल. कितना फ्लक्स पास करेगा? उसके अंदर अल्फा पार्टिकल है. तो जो नेट फ्लक्स होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2e होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपका नेट फ्लक्स पास करेगा उस सरफेस से. सो योर आंसर विल बी ए पार्ट. 9th में आते हैं. इसमें कह रहे हैं इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस वो आपको दिया. इनकमिंग फ्लक्स ये है, आउटगोइंग फ्लक्स ये है. अब नेट फ्लक्स अगर हम जब लिखते हैं तो इनकमिंग को लिखते हैं नेगेटिव और आउटगोइंग को लिखते हैं पॉजिटिव. तो इनकमिंग हो जाएगा -8 × 10^3. यूनिट एकदम सही है. और आउटगोइंग हो जाएगा +4 × 10^3. तो जो नेट फ्लक्स आया वो -4 × 10^3 आ गया. ये फ्लक्स हो जाएगा. और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अंदर वाला जो चार्ज आएगा क्यू इन, कितना चार्ज होगा? तो हो जाएगा -4 × 10^3 × एप्सिलॉन नॉट. ये चार्ज आएगा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा. उसके अंदर टोटल जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा. ठीक. तो आपका बेस्ट आंसर बनेगा डॉग. 10th क्वेश्चन पे चलते हैं. 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस 0. अब फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0. इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन क्या चीज 0 होगी, ये पक्का है. अगर फ्लक्स 0 है किसी भी सरफेस से पास होने वाला, तो फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसका मतलब उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज, नेट, मैंने ऐसा नहीं कहा चार्ज 0 होगा, उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस. बिल्कुल जरूरी नहीं है. मस्ट के चक्कर में डूब गया पहला स्टेटमेंट भाई. सेकंड में आ जाते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस. 0 हो सकता है, लेकिन पक्का 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं है.
तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट में जाएगा. द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो. अब यहां पे लिखा होना चाहिए द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस. ठीक है, द नेट चार्ज लिख दीजिए, आप थोड़ा सा नेट कर दीजिए वरना आंसर मैच नहीं करेगा इसका. द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, तो फिर आपका थर्ड वाला भी सही हो जाएगा. द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस मस्ट बी जीरो. भाई किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होता है उसको अगल बगल वाले चार्जों से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो लेना देना है कि अंदर कौन सा चार्ज रखा है बस. ठीक, तो आंसर सिर्फ क्या बनेगा, सेकेंड वाला और थर्ड वाला आंसर सही जाएगा थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ. बी पार्ट. इलेवेंथ वाले पे आ जाते हैं. इलेवेंथ में कह रहे हैं ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एक प्लस क्यू वन चार्ज है, एक माइनस, ये माइनस क्यू वन चार्ज है, प्लस क्यू वन चार्ज है, बाहर क्यू टू चार्ज है. अभी पूछ रहे हैं हम इस डॉटेड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिस फील्ड का आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो वो फील्ड किसकी वजह से होगा, तो वो फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होता है. गॉस लॉ में एक खास बात है, जो नेट फ्लक्स आता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, लेकिन जिस फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करा जा रहा है सरफेस पे वो फील्ड सभी तरह के चार्जेस की वजह से होता है, इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस. तो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप इसको लिख लीजिए कि जो फ्लक्स होता है दैट विल बी ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, बट द फील्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस. सो योर आंसर विल बी सी पार्ट. ट्वेल्थ क्वेश्चन में आते हैं. इसमें चार चार्जेस दिए हैं क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री और क्यू फोर, और चांस की बात है चारों अंदर ही बना दिया उन्होंने. ठीक है, अब चारों अंदर बना दिए हैं. ठीक है, तो फील्ड भी चारों के बेस होगा. फील्ड तो वैसे सबकी वजह से होता, अगर बाहर भी होता तो भी हो जाता, और अंदर वाले सारे चार्जेस तो होते ही होते हैं. तो जब हम नेट फील्ड लिखेंगे, नेट फील्ड, तो नेट फील्ड सबकी वजह से होगा, तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर भी होगा, प्लस ई फोर भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए इसमें, और चार्जेस तो अंदर वाले सारे हम लेते ही हैं. ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा जैसा उन्होंने अभी बनाया फॉर्मेट में, तो वो आंसर बनेगा डॉग. ठीक है, वो आंसर क्या बनेगा आपका, डॉग, कि फील्ड सभी की वजह से होता है, अंदर भी हो और बाहर भी हो, और यहां तो सभी अंदर ही हैं, बाहर के वालों के का भी फील्ड होता है. मतलब अगर यहां पे अगर एक चार्ज और होता क्यू फाइव यहां होता, ठीक, तो जब हम फ्लक्स निकालने के लिए फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते तो E1 से लेकर E2, E3, E4, E5 तक का फील्ड कैलकुलेट करते, इन सब का वेक्टर एडिशन करके नेट फील्ड करके डॉट प्रोडक्ट डीए करके फ्लक्स निकाल रहे होते. लेकिन जब इस साइड लिखते तो कौन से चार्जेस लिखते, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस, तो सिर्फ किन को ऐड कर रहे होते, Q1 से लेकर Q2, Q3 और Q4 तक ऐड करके अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते. तो इस बात को आप ध्यान से समझ लो, फील्ड किसकी वजह से होता है, अंदर बाहर सभी चार्जेस की वजह से, लेकिन फ्लक्स जब निकालते हैं उस फील्ड का तो कौन से चार्ज का कंट्रीब्यूशन बच जाता है, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस का. द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज. गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, तो गॉसियन सरफेस भाई सिमेट्रिक होनी चाहिए, जिसमें सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल मैग्नीट्यूड होना चाहिए. एक पूरे में सिंगल एंगल हो तो और भी बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में. तो इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी पार्ट. 14 क्वेश्चन करते हैं. गॉस लॉ शुड बी इनवैलिड. गॉस लॉ कब इनवैलिड हो जाएगा. गॉस लॉ तब इनवैलिड होगा जब कूलाम्स लॉ इनवैलिड होगा, क्योंकि कूलाम्स लॉ गॉस लॉ काफी मिलते जुलते हैं, एक जैसा ही काम करते हैं. ठीक है, तो गॉस लॉ तब इनवैलिड होगा जब कूलाम्स लॉ इनवैलिड होगा, और कूलाम्स लॉ होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो जब इनवर्स स्क्वायर लॉ काम नहीं करेगा तो कूलाम्स लॉ का वो फॉर्मेट नहीं रहेगा, तो गॉस लॉ का ये फॉर्मेट नहीं रहेगा. तो आंसर क्या बनेगा आपका, बॉय. 15th वाले में कह रहे हैं दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, उनको आर डिस्टेंस पर रखा है फ्री स्पेस में, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं. तो आप बना लो, देखो एक पॉजिटिव लाइन चार्ज है प्लस लैम्डा इस तरह से, ठीक, और एक नेगेटिव लाइन चार्ज है माइनस लैम्डा इस तरह से, और इनके मिड पॉइंट पे पूछ रहे हैं, यानी मिड पॉइंट जो है वो यहाँ से r बाई टू डिस्टेंस पे है, और यहाँ से भी क्या होगा r बाई टू, चार डेंसिटी सेम है, यहाँ भी लाइन चार्ज लैम्डा है, यहाँ भी लाइन चार्ज लैम्डा है. तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट r. ठीक, अब मजे की बात यह है कि पॉजिटिव का फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव का उस पॉइंट पर भी फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा. पॉजिटिव कहता है मुझसे दूर, फील्ड मुझसे दूर, नेगेटिव कहता है फील्ड मेरे पास. जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, ऐड करके निकालेंगे. तो ये बनेगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह क्या लिखोगे, आर बाई टू, और नेगेटिव का भी इतना ही होगा, तो ये डबल हो जाएगा, इंटू टू हो जाएगा, तो ये बनेगा नेट फील्ड आपका.
तो आपका ये टू से टू तो उड़ गया, तो ऊपर आ जाएगा टू लैम्डा और नीचे क्या आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हियर इज द आंसर। तो आपको आंसर मिलेगा बॉय। सिक्सटींथ पे आ जाते हैं। सिक्सटींथ में कह रहे हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसका फील्ड आपको दिया है कितनी डिस्टेंस पे, 0.2 मीटर पे। लाइन चार्ज डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर है लाइन चार्ज का फील्ड कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फील्ड होता है। तो आपको फील्ड की वैल्यू डालनी है, यहाँ से फील्ड दिया गया आपको, आपको डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, और यहाँ से क्या फाइंड कर लेना है, लैम्डा फाइंड कर लेना है। ये 2 पाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू कैसे करेंगे, तो ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। तो फॉर्मूला बन गया 2k λ/r, इससे कर लो आप, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्यों k की वैल्यू आप डायरेक्ट डाल सकते हो कितनी, 9 × 10⁻¹, तो रिलेटिवली थोड़ा सा ईजी लगेगा आपको। तो 16th वाला हो जाएगा फिर इस तरह से। अब 17th पे आ जाते हैं। 17th में चार्ज दिया गया है और कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी दिया है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी। शीट है, शीट मतलब सिंगल लेयर लेनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं सिर्फ 20 सेंटीमीटर दूर पूछ रहे हैं। अब 20 सेंटीमीटर दूर है तो हम तो ये इस 20 सेंटीमीटर तो बहुत कम डिस्टेंस हो गई, 200 मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से, तो हम इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और उसमें सिंगल शीट सिंगल चार्ज लेयर की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 ε₀। तो ये आपको आंसर मिलेगा। सिग्मा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज आपको दिया है 17 × 10⁻⁴, और एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज भी दिया है और एरिया भी दिया है। तो चार्ज और एरिया डाल के सिग्मा की वैल्यू निकालो, सिग्मा की वैल्यू यहाँ डालो, डिस्टेंस से कोई लेना देना है नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो, और आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा वहां पे। अब आते हैं 18th में। 18th में कह रहे हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मेटल शीट की तरफ फायर किया जिस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसको रिपेल करेगी, और कह रहा है प्लेट को हिट नहीं करना चाहिए, प्लेट को क्या नहीं करना चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए, ठीक। तो आप पहले समझ लो ध्यान से, ये मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव, ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आपने कुछ डिस्टेंस से आपने उसको भेजा, मान लिया डी डिस्टेंस से किसी वेलोसिटी से फायर किया है, इलेक्ट्रॉन है ये, कुछ वेलोसिटी से कुछ काइनेटिक एनर्जी से फायर किया, और आप चाहते हो ये प्लेट को हिट ना करे, इसका मतलब ये जो प्लेट की डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस से थोड़ी सी ज़्यादा या जस्ट बराबर होनी चाहिए। प्लेट की डिस्टेंस जो है वो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस से थोड़ी सी ज़्यादा या क्रिटिकल केस में जस्ट बराबर होनी चाहिए। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला सुनाओ फिर, अब आप वो होता है v² / 2a, ये होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ऐसा करो इसमें मास से मल्टीप्लाई करो और मास से डिवाइड कर लो, उसका फायदा क्या मिलेगा, ऊपर होगी ½mv², ये काइनेटिक एनर्जी, और नीचे m × a, मास × एक्सीलरेशन हो गया फोर्स, इतना ठीक है, बढ़िया। अब फोर्स को क्या ले सकते हो, तो फोर्स को ले सकते हो चार्ज × फील्ड q × e, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/ε₀, ठीक है, जो मेटल प्लेट होती है, मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/2ε₀ नहीं होता, वो σ/ε₀ होता है, मेटल प्लेट में σ/ε₀ और शीट में σ/2ε₀, ठीक है, तो ये हो जाएगा σ/ε₀, और ε₀ कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये आपको वो डिस्टेंस आएगी। अब करो कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी दी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी उसको जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक, ε₀ की वैल्यू सुनाओ कितनी होती है, 8.85 या 86 भी कर सकते हो आप, × 10⁻¹² अपॉन चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, और चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है, तो वो दी है 2 × 10⁻¹⁶। अब जरा देखो ये चार से चार तो ये पूरा उड़ गया, −6 जब ऊपर जाएगा तो ये +6 बन जाएगा, तो ये −6 यहाँ बचेगा, और 2 से उड़ाओ भी इसको तो ये लगभग 4.42 कह सकते हो आप इसको, 5 कुछ भी, अगर 6 लिखोगे तो 3 हो जाएगा, 3 कर देता हूँ मैं, × 10 की पावर कितनी बनने वाली है, तो ये −6 है, ऊपर जाके +6 हो गया, तो −6 बचा, और 100 यहाँ भी तो लिखा है, तो −4 हो गया ये, तो अगर इसको −3 लिखें तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो 0.44 मिलीमीटर आंसर बनेगा। तो ऐसा करो इसको मिलीमीटर बना लो और आपका आंसर हो जाएगा बॉय। तो ये आपको समझ में आना चाहिए हुआ क्या, आप कह रहे हो वो हिट नहीं हो रहा है, यानी रिपल्शन इतना लगा है कि वो स्टॉपिंग डिस्टेंस बन गई है,
ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई टू ए, फिर हमने मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर लिया तो ऊपर बन गई काइनेटिक एनर्जी, नीचे बन गया फोर्स, फोर्स को क्या लिखेंगे क्यू इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल प्लेट की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, शीट की वजह से होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद सारी वैल्यू डाली है और सॉल्व कर लिया। 19th, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द अर्थ सर्फेस, नियर अर्थ के सर्फेस के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो सर्फेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ की सर्फेस तो सॉलिड स्फीयर मानेंगे, और सॉलिड स्फीयर अगर है, ठीक है, तो अंदर तो फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, तो सारा फील्ड बाहर की तरफ ही होगा, और वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको और सिग्मा की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन नॉट, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब ये जो चार्ज डेंसिटी होगी ये पॉजिटिव नहीं होगी, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। उन्होंने तो सारे सारे कहीं माइनस लगाया नहीं है, लेकिन ये अब क्लियर होना चाहिए कि चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। तो ये कितना आंसर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 300 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 लिख लो आप इंटू 10^-12, तो अब जरा अंदाजा लगाओ कितना होने वाला है, ये 9 के आसपास है, ये 3 से मल्टीप्लाई करो 27 के आसपास, 27 से थोड़ा सा कम बनेगा, तो मुझे लगता है आंसर आपका बनना चाहिए कैट के आसपास। 20 अगला वाला क्या, एक थिन स्फेरिकल शेल है मेटल की, उसका रेडियस दिया है आपको और कितना चार्ज कैरी कर रहा है वो दिया है, और उससे पूछ रहे हैं आउटसाइड द शेल, तो शेल के आउटसाइड जो है आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जस्ट आउटसाइड, शेल के आउटसाइड का मतलब जस्ट आउटसाइड, तो क्या बनेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अंदर तो शेल के फील्ड क्या होगा, जीरो, जस्ट आउटसाइड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप सारी वैल्यू डालो आपको आंसर मिल जाएगा, रेडियस की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने चार्ज दिया है और रेडियस दिया है, तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए, दैट इज क्यू अपॉन 4πr². तो अगर आपको चार्ज दिया और डिस्टेंस दिया तो फिर आप चार्ज डेंसिटी मत निकालो, फिर तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला, किसी भी स्फीयर के जस्ट सरफेस पे जो फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ, सीधे चार्ज की वैल्यू डालो, के की वैल्यू डालो और डिस्टेंस की वैल्यू डालो, और आपको सीधे आंसर मिल जाएगा।